एक्सक्यूज मी मैम, मिसेस कशिश ग्रेवाल कहाँ होगी? इज देयर। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, कशिश ग्रेवाल आप भी हैं? हाँ, बोलो क्या काम है? सर इनके लिए एक गिफ्ट है। कौन भेज रहा है? किसने भेजा? सर ये तो पता नहीं। जो कोई भी ये कर रहा है वो बहुत चालाक है। बट से हेलो। हाँ तुषार, मैं स्वयं बोल रहा हूँ। हाँ स्वयं बोलो, वहाँ सब ठीक है ना? यहाँ कुछ ठीक नहीं है यार। आई नीड योर हेल्प, कैन यू कम टू दिल्ली? क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, अभी यहाँ पे डील होना बाकी और मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे तो मैं बहुत रिलैक्स फील करूँगा। विल यू कम टू दिल्ली? श्योर। तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स अ लॉट बडी, बट कम फास्ट। हाँ अक्सर तोहफे पाकर लोग खुश होते हैं, पर मुझे यकीन था कि मेरे भेजे हुए तोहफे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे स्वयं, पर ऐसा ही हुआ। मेरे रहते तुम कशिश को नहीं पा सकोगे स्वयं शेरगिल। चारू जाओ और जाकर अक्षत से बात करो। कनन, लेकिन कुछ नहीं चारू, अगर इस रिश्ते को अभी नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी। देखो तुम्हें अक्षत के साथ पैचअप करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दी भी अभी आनी है, तुम जाकर उसे अपनी बात समझा सकती हो। पर अगर उसने मुझे फिर से अवॉइड किया तो? फिर वही चारू, जाओ जाकर उससे बात करो। गुड, टॉक टू, ऑल द बेस्ट। अक्षत, क्या तुम एक बार मेरी बात भी नहीं सुनोगे? अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा चारू। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। मैंने क्या गलत किया है अक्षत? सिर्फ यही कि मैंने तुमसे प्यार किया कि अपना प्यार छिनते नहीं देख पाई मैं, या फिर ये कि अपना प्यार वापस पाने की कोशिश की मैंने? बोलो अक्षत, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसी हरकत नहीं करता चारू। इसे तुम प्यार कहती हो? प्यार में किसी को दुख नहीं दिया जाता चारू। इतना सब हो जाने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो,
ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों मानूं मैं अपनी गलती अक्षत? क्यों मानूं? जब मेरी कोई गलती है ही नहीं। अब मैं समझी, तुम्हें तकलीफ इस बात से नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि कशिश तुमसे बहुत दूर चली गई है, और यही गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रहे हो। मेरी गलती ये है कि मैं अब भी तुमसे प्यार की उम्मीद लगाई बैठी हूं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना अक्षत, तो ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूं, पर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। What कशिश? नहीं, कुछ नहीं। आखिर तुषार क्यों बार बार मेरे जहन में? मैं उसके बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? उसका ख्याल तक नहीं आना चाहिए मुझे। नहीं सोचूंगी मैं उसके बारे में, नहीं सोचूंगी। एक सवाल का जवाब। बस अब एक सवाल और था। थक गई हूं मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देकर। तुषार जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तुषार। It is impossible. Impossible. Impossible always says, I am possible. तुम चाहो तो ये भी हो सकता है। तो फिर ये समझ लो कि मैं ऐसा नहीं चाहती, नहीं चाहती मैं ऐसा, समझे तुम?
तुम सच्चाई को एक सपना समझ रहे थे। चलो सपना ही सही, मैंने गलत नहीं कहा था, तुम मेरे बारे में ही सोचने लगे। तुम सोच रही हो मैं यहां क्या कर रहा हूं। सपनों से निकलकर सच बनकर क्यों सामने खड़ा हूं? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें स्वयं के करीब नहीं जाने दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया। पहले तुम्हें गिफ्ट्स भेजे और फिर परेशान स्वयं ने खुद मुझे यहां बुला लिया। क्या वो गिफ्ट तुमने भेजे थे? हाँ, तुम्हारे पास आने के लिए। मैं भला तुमसे दूर कैसे रह सकता? अभी तुमने खुद कहा कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। मैं तुम्हारी सोच बन गया हूँ और तुम मेरा सपना। जब तुम अपनी सोच से अलग नहीं रह सकती, मैं भला अपने सपने से दूर कैसे रह सकता हूँ? ये भूल कर भी मत सोचना कि तुम मेरी सोच में और तुम्हारा सपना एक नामुमकिन सपना है। वो सपना है क्या जिसे पाना आसान हो? और तुम कैसे झुठला सकती हो कि मैं तुम्हारी सोच नहीं हूं, कि तुम मेरे करीब नहीं हो? कैसे इनकार कर सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? क्या क्या कहा तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या सोचते हो तुम कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो आज मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, सुजल के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। उसके बगैर मैं सिर्फ एक लाश हूँ, एक जिंदा लाश जो ना तो कुछ महसूस करती है और जिसमें ना ही किसी के लिए कोई भावना। तुमने अगर जिंदगी नहीं बची तो मेरे छूने पर यह एहसास किस लिए? तुम्हारी सांसों की रफ्तार का बढ़ना किस लिए? तुम्हारे दिल की धड़कनों का शोर बनकर सुनाई देना किस लिए? तुम्हारी आंखों में सुजल के सामने खड़ा तुषार किस लिए? तुम्हारे गुस्से के पीछे दबा हुआ प्यार किस लिए? इंसान मौत से तो बच सकता है कशिश, लेकिन जिंदगी से नहीं। क्यों अपनी जिंदगी से भाग रही हो? चुप हो जाओ, चले जाओ यहां से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। तुम मुझे इस कमरे से तो निकाल दोगी, लेकिन दिल से कैसे निकालोगे? मैंने कहा जाओ यहां से। नफरत करती हूं मैं तुमसे, सुना तुमने? नफरत करती हूं मैं तुमसे। ये नजरें दुआ के लिए उठें या नफरत के लिए झुकें, रहेंगी तो मुझ पर ही। तो मेरी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकती कशिश। अब चाहे तुम्हारी नजरें मेरे लिए दुआ के लिए उठें या फिर नफरत से झुके, रहेंगी तो मुझ पर ही ना कशिश। क्या कहा तुम? कैसे कही तुम? कैसे जानते हो तुम ये बात तो सिर्फ मेरे और सुजल के बीच की थी। तुषार कैसे कही तुमने ये बात? बोलो। मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया, लेकिन सवाल वो जरूरी नहीं जो तुम पूछ रही हो। सवाल जरूरी ये है जो तुम्हें अपने आप से पूछना है। क्यों जवाब तुम्हें किसी के सवालों का? मेरा वास्ता सिर्फ सुजल से है और किसी से नहीं। मैं प्यार सिर्फ सुजल से करती हूँ और किसी से नहीं। मैं जीती सिर्फ सुजल के लिए और किसी के लिए नहीं। सुना तुमने? अब जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
लेकिन मेरा वास्ता सिर्फ तुमसे है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। और कोई स्वयं या कोई सुजल मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं सकते। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह, पर उसने हमें मिला ही दिया। उसने? किसने? बैड बॉयज, बैड बॉयज। उसने? शायद वो भी यही चाहते थे कि हम मिले। bad boys, bad boys. अब मैं चलती हूँ, वो मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है ना। हम फिर मिलते हैं। फिर? मैं आपको कल ड्रॉप कर दूँ? No, no, no. I mean, thank you, doctor. Bye. Bye. Bad boys, bad boys. Take care. Bye, doctor. Bad boys, bad boys. Bye, doctor. ये ऋषि अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा। वो वर्चिता के साथ भी। ऋषि, अर्चिता के साथ ऐसा धोखा मत करो। वो बहुत सीधी लड़की है। अच्छा, बहुत फिक्र है तुम्हें उसकी। कितना फर्क है तुम दोनों भाइयों में। एक भाई उसे मुझसे पाने की चैलेंज देता है और दूसरा उसे बचाने की बातें करता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच। और ज्ञान जगह किसी और को देना मुझे नहीं। मुझे तो रोकना है तो अपने भाई को रोको, मुझे नहीं। रोकूंगा मैं उन्हें भी, रोकूंगा मैं। किसी को भी अर्चिता के फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं दूंगा ऋषि, चाहे वो तुम हो या मेरा अपना भाई। देखते हैं। देख लेना ऋषि, देखना कैसे मैं तुम्हारी असलियत अर्चिता के सामने रखता हूं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।